अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? इट्स मी निदा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी DIY प्राइमर सेटिंग स्प्रे। तो इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और मार्केट के हार्मफुल प्राइमर से भी आप बच जाएंगे। सो वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके रिज़ल्ट, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसे। तो मैंने उसे स्प्रे फॉर्म में रखा है तो यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, और आप इस प्राइमर को 3 मंथ्स तक के स्टोर करके रख सकते हो, अगर आप फ्रिज में से स्टोर करके रख सकते हो। और आपको इसे मेकअप करने से पहले आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, देन आपको अपने फेस पे प्राइमर को स्प्रे करना है। तो आप देख सकते हो इसमें एकदम आपके जितने भी लार्ज ओपन पोर्स होते हैं उसे मिनिमाइज़ कर देगा इंस्टेंटली, एंड आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, आपके मेकअप को काला नहीं होने देगा। आप देख सकते हो मेरे हाथ पे कितनी ज़्यादा शाइन है, और आपका एकदम अच्छा सा मेकअप बेस रेडी कर देगा इस प्राइमर की हेल्प से। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो ये 2 इंग्रेडिएंट मेकअप प्राइमर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपके लिए बनाना और भी ईजी हो जाएगा, ज़्यादा आपको यू नो प्रोडक्ट्स नहीं वेस्ट करने होंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो एलोवेरा जेल है। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं एलोवेरा जेल के लिए। यहाँ पे मैं एक LVB का एलोवेरा जेल आपको दिखा रही हूँ और एक गुड वाइब्स का मैंने दिखाया है। तो इस वीडियो के लिए मैं LVB का एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 100% प्योर है, आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो। तो मैं इसे यूज़ करूँगी। तो अगर आपको इस एलोवेरा जेल के ऊपर रिव्यू देखना है तो वो वीडियो आज मैं मॉर्निंग में अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम जो यूज़ करेंगे वो होगा रोज़ वाटर। तो आप प्लेन वाटर नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि प्लेन वाटर से जो आपका फेस है वो टोन नहीं करेगा। तो आपको पता ही होगा रोज़ वाटर को हम लोग एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रोज़ वाटर। इससे हमारा फेस की टोनिंग भी हो जाएगी और जो लार्ज ओपन पोर्स है उसे भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा और फेस को काला नहीं करेगा। सो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। तो मैं पहले बॉटल को ओपन कर दूँगी। तो मैंने रोज़ वाटर अपनी इस बॉटल में, स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि स्प्रे बॉटल वाले रोज़ वाटर्स जो होते हैं वो काफ़ी उसके प्राइजेस हाई हो जाते हैं क्योंकि वो पैकेजिंग की वजह से, क्योंकि मेरे पास एक बॉटल है। तो मैं सिंपली अपना गुलाब जल इसमें ऐड करके रख देती हूँ रोज़ वाटर को। तो मैंने यहाँ पे डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ मैं, तो मैंने उसी को इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल के ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये काफ़ी थिक है और एकदम 100% ऑर्गेनिक एंड प्योर एलोवेरा जेल है, तो काफ़ी टाइम ले रहा है ये अंदर जाने के लिए बॉटल के। तो इसे मैं 2 टेबल स्पून यूज़ किया है, उसके बाद मैं बॉटल का ढक्कन बंद कर दूंगी और अच्छे से शेक कर लूँगी बॉटल को ताकि जो रोज़ वाटर है और एलोवेरा जेल है वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये इसका कलर ऑफ वाइट हो गया है। अगर आप कोई और आपका प्राइमर बनके रेडी हो गया है। आपको सिंपली आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। आप किसी भी मॉइस्चराइज़र, सीरम, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो भी आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे। फिर सिंपली आपको अपने फेस पे से स्प्रे कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ये नेचुरली आपको इसे ड्राई होने देना है। इट टेक्स 1 मिनट और 40 सेकेंड्स टू ड्राई। उसके बाद आपको अपनी स्किन में इसे पैट कर देना है ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और आपको देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। तो आप इसे एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इफेक्टिव रहेगा एज अ टोनर भी। मेकअप सेटिंग स्प्रे आप इससे यूज़ कर सकते हो, इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि इसमें ग्लिसरीन और भी जो इंग्रेडिएंट मिस है तो उसकी वजह से मेक श्योर आई थिंक कि मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह से ये काम ना करे। अब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी फाउंडेशन को अप्लाई करके अपने हैंड पे। आप देखेंगे कि फाउंडेशन इतना सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है और हैंड पे मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखेंगे कि फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और हाथ पे मैं ब्लेंड करके दिखा रही हूँ तब भी कुछ हार्श लाइन और एजनेस नहीं दिख रही है और एकदम स्मूथ बेस बनके रेडी हुआ है।
एज यू कैन सी, आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।